उत्तराखंड सरकार ने भारतीय पुरुष टीम के क्रिकेटर और उत्तराखंड के लाल ऋषभ पंत को राज्य के युवाओं को खेलकूद और जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के बाद उनसे वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी और मिलने के लिए भी आमंत्रित किया। हाँ, कैसे हैं ऋषभ? नमस्ते, ठीक हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। कैसा चल रहा है आजकल? बस सर, प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी बस। और आप बताइए सर? बस ठीक है। आइए, कब आएंगे घर? हम लोग आपको जो है ना यहाँ पर करते हैं, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को। नहीं नहीं सर, थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरे को बेटा कि मैं उत्तराखंड के लिए कुछ कर पाऊँ। आइए, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, नए नए बच्चे सब आपसे प्रेरणा लेंगे। सब लोग है ना इस फील्ड में और आगे जाएंगे, क्रिकेट की दुनिया को अपनाएंगे। जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौपटखाल विधानसभा में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जनसभा को संबोधित किया। रविवार को सतपुली स्थित कन्या विद्यालय परिसर में आयोजित कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह में सतपाल महाराज ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अपने प्राणों की परवाह किए बिना सेवा भाव की मिसाल पेश करने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना उनके लिए गौरव की अनुभूति है। आज माँ रलस्वान दीवा के मार्ग पर हमने ट्रैकर्स के दल का जो है शुभारंभ किया है और दल को भेजा है। इसमें महिलाएं और पुरुष मिल करके माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि माँ रलस्वान दीवा का स्थान प्रसिद्धि को प्राप्त करे और यहाँ भी और ट्रैकर्स आएँ और यहाँ पर कैंपिंग की फैसिलिटी भी उपलब्ध हो, जिससे कि हमारा जो ये रिमोट एरिया है यहाँ पर भी पर्यटक आएँ और यहाँ की जो आर्थिक जो है उन्नति हो। हमने गाँव वालों से भी कहा है कि आप होम स्टे का निर्माण करें जिससे यात्री यहाँ निवास कर सके। ये सुविधा होने से कोई भी आदमी लैंसडाउन से सतपुली से चल करके यहाँ आ सकता है और ट्रैकिंग कर सकता है और जो सनराइज होता है माँ दीवा से उसका दर्शन कर सकता है। माँ रलस्वान दीवा से बहुत अच्छा सनराइज दिखाई देता है जो वर्ल्ड फेमस है। मैं चाहता हूँ कि पर्यटक यहाँ आकर के सनराइज का दर्शन करें और लाभ उठाएं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने अनुसूचित जाति के लंबित प्रकरणों को लेकर विकास भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुकेश कुमार के द्वारा सभी विभागों में अनुसूचित जाति के लंबित प्रकरणों के संबंध में अधिकारियों से सूचना ली गई और सभी प्रकरणों का निदान करने के निर्देश भी दिए गए। हम समीक्षा बैठक प्रत्येक जिले वाइज कर रहे हैं और जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है उनका सही से अनुपालन करना और जहाँ भी धरातल पर गरीब आदमी तक उस योजना को लाभ पहुंचे उसके लिए बैठक की गई थी और जहां पर हमें कमियां लगी हैं, जो कमियां लगी हैं, क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं अनुसूचित जाति के लिए चला रही है पर उसका सही से अनुपालन हो और जो अंतिम छोर तक बैठा हुआ व्यक्ति है उसको उसका लाभ मिले उसके लिए हमने बैठक की है। और कई जगह कई विभाग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जहाँ कहीं कमी पाई गई है तो उसके लिए भी हमने उन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उन कमियों को दूर करते हुए उसका सही से प्रचार प्रसार करें। आम आदमी पार्टी के द्वारा धर्मपुर विधानसभा सहित देहरादून की सभी विधानसभाओं में बाइक रैली का आयोजन किया गया। धर्मपुर विधानसभा में हिमांशु पुंडीर के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली सहारनपुर रोड ट्रांसपोर्ट नगर से शुरू होते हुए टर्नर रोड भारूवाला चांचक चौक से होते हुए बंगाली कोटी से रेस कोर्स रेलवे स्टेशन से होते हुए आईएसबीटी पर समाप्त हुई। रैली में शामिल युवाओं ने आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए।